हेलो प्यारे बच्चों, आज आप सभी का एग्जाम है। एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है कॉर्पोरेट अकाउंट के, रेगुलर और नॉन कॉलेज के बच्चों का। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं आना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट को मर्जिंग करना होता है, एमलगेमेशन। सिर्फ और सिर्फ परचेज कंसिडरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी बैलेंस शीट के डेटा को मर्ज करने में कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। होल्डिंग एमआई में दिक्कत हो सकता है, या फिर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दिक्कत हो सकता है, बैलेंस शीट के डेटा को मर्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पूरा ना आता हो। तो एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है आपका, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो पेपर अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चाहे आपका फाइनल अकाउंट हो, चाहे आपका कैश फ्लो हो, एमलगेमेशन, होल्डिंग, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना है। आप पेपर जैसा भी आता है, मैं पेपर के ऊपर ये बात नहीं करूंगा, मुश्किल आसान, सबसे पहले उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि पेपर अटेम्प्ट जरूर करें और कोशिश करें, जितना भी आपने सीखा है एक बार थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके, आप फोकस करके सोचिए, इसमें आप अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को पेपर नहीं आ रहा, तो इसमें कितना परसेंट आप कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को फॉर्मूले लिख सकते हैं उसके बारे में। तो अपने हिसाब से पूरा का पूरा डिलीवर करिए पेपर में। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो इस पेपर के अंदर बोलते हैं कि हमारा पेपर नहीं हुआ, रीजन यही है, उन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था या फिर पेपर के अंदर सीरियसली नहीं थे। तो आप पेपर को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। पेपर कैसे आता है मैटर नहीं करता, आपका एफर्ट्स क्या है वो दिखना चाहिए पेपर के अंदर, ठीक है ना। इजी पेपर आता है डेफिनेटली करिए, मुश्किल पेपर होता है तो भी आपको करना, पेपर तो करना ही है। पूरा टाइम यूटिलाइज करिए, एक चीज फोकस रखिएगा, एक दूसरे को बताने में अपना टाइम वेस्ट ना करें एग्जामिनेशन सेंटर में। सिर्फ अपना फोकस रखना है कि ये नंबर आपके मार्कशीट में जुड़ेंगे, ना कि किसी और के मार्कशीट में। तो होपफुली समझ में आया होगा, एक ही कॉन्सेप्ट है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करने आना है। तो बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट सेमेस्टर में, मिलेंगे, अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।